नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। गोरखपुर नहीं, मऊ से चलेगी गोदान एक्सप्रेस। दादर गोरखपुर एक्सप्रेस का रूट भी है परिवर्तित। खबर रेलवे से है। रेलवे से गोरखपुर मऊ के बीच के स्टेशनों या छपरा मऊ के यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब उन्हें गोदान एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए मऊ आना होगा। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति से पता चला है। उनके अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा प्रचालित सुगमता एवं यात्री जनता की सुगमता हेतु गोरखपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 8 के उन्नयन कार्य हेतु ब्लॉक दिए जाने के कारण 110/55, 110/56 लोकमान्य तिलक टर्मिनस, गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के भटनी में शॉर्ट टर्मिनेशन एवं शॉर्ट ओरिजिनेशन की सूचना पूर्व में दी गई थी, परंतु मेंटेनेंस कार्य हेतु इस गाड़ी का शॉर्ट टर्मिनेशन एवं शॉर्ट ओरिजिनेशन मऊ से निम्नवत किया जाएगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 19 जुलाई से 1 सितंबर 2024 तक चलने वाली 110/55 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर मऊ में यात्रा समाप्त करेगी। गोरखपुर से 19 जुलाई से 3 सितंबर 2024 तक चलने वाली 110/56 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर मऊ से चलाई जाएगी। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।